फारूक साहब को कि बात करें आपके सामने, जो जिस बात कर रहे हम यहाँ आए हैं फसल को निकलना ठीक है। सबसे पहले मैं मेहफिल ग्रुप की तरफ से जनाब मोहतरम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियार बुखारी साहब और हरदिल अजीज मरकजी रहनुमा जनाब मोहतरम अनवर सैफुल्ला खान साहब और खुसूसन नजमुद्दीन साहब जो सदर पीपल पार्टी हैं सुबह सराज के, बहुत दूर से ये दीर से हैं। मैं इन सब का मेखेल ग्रुप की तरफ से तहे दिल से मशकूर हूँ। कोशिश करेंगे कि हम भी आप लोगों को इसका बदला तो नहीं दे सकते, आपकी खिदमत कर सकते। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल साहब मियार बुखारी साहब और मोहतरम अनवर सैफुल्ला खान साहब और नजमुद्दीन खान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला और हमारे और कुंडी बिरादरान को इकट्ठा करने के लिए जो कोशिशें की हैं। मियाखेल ग्रुप इसको कदर की निगाह से देखता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की नजमुद्दीन खान साहब ने देर से और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, क्योंकि ये बहुत दूर से आए हैं। इनका वालिद हमारे साथ होता था और ये पीपल पार्टी के होते थे, वो मुस्लिम लीग का होता था। जनाब मोहतरम अनवर सैफुल्ला खान का जिक्र ना करना ज्यादती होगी। अनवर सैफुल्ला खान जब पावर में थे बहुत से लोगों को, बहुत से दोस्तों को बे इंतहा फायदे पहुंचे और इस हकीकत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। हर मुमकिन कोशिश की कि अपने इलाके को सदरन डिस्ट्रिक्ट को कारोबार में वसायल में उनकी रहनुमाई भी की और उनको फायदे पहुंचाने में अंतक मेहनतें की। और इसी तरह पार्टी को मजबूत करने की भी काफी कोशिशें की। साबिक इलेक्शन में मुझे भी फरियाल बीबी के साथ टाइम लेकर दिलवाया था, जिसमें मैं इनका मेखेल ग्रुप की तरफ से तहे दिल का मशहूर हूँ। लेकिन उसमें हुआ ये है, क्योंकि आप सब यहाँ डी खान के लोकल हैं, कुंडी खान साहब टांग से लड़ना चाहते थे, अगर ये कंजूसी ना करते और मेरे साथ ये भी जाते, क्योंकि फरियाल मुझे कहती थी कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर हो और सीट छोड़ जाए। मैंने कहा जी वो छोड़ जाएगा, आप मेहरबानी करें, तो वो नहीं मानती। ये साथ होता तो हम दोनों तीनों सीटें जीत जाते, बार कैफ हमारे इलाकाई मकासम से हमें खा जाती हैं, जिसका मैं अनवर सैफुल्ला खान साहब का टाइम दिलवाने का तहे दिल से मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मियार बुखारी साहब का जिक्र ना करना भी ज्यादती होगी। ये सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के और मैं इनके पास गया, मखदूम साहबान भी हमारे साथ थे
मैंने कहा कि मैं जरदारी साहब से मिलना चाहता हूं, नीचे वाली कोई बात नहीं होगी और मैं इंशाल्लाह ताला दो सीटें पीपल पार्टी को दूंगा। सीनियर बुखारी साहब ने कहा कि मैं जरदारी साहब से बात करता हूं और मैं इंशाल्लाह आपका टाइम रखूंगा। तो जरदारी साहब का इन्होंने कन्वे किया कि आप आ जाएं और घंटा डेढ़ जरदारी साहब हमारे साथ बैठे रहे, लेकिन हम वो वकार का एक मैं टिकट लेना चाहता था, एक शेख को दिलवाना चाहता था और मैं नहीं लड़ना चाहता था इलेक्शन, मैं एमपीए पे जाना चाहता था। तो वो बात नहीं बनी, मैंने उनको उनसे अर्ज की कि मैं जाता हूँ, मशवरा करता हूँ, अगर हुआ तो फिर हम खुद भाई लड़ेंगे, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। तो जिसका मैं तय दिल से बुखारी साहब का मशकूर भी हूँ और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बुखारी साहब की भी खिदमत कर सकें जो हमारा पास है। हम मर्कजी और सूबाई क़यादत वो हकैक भी बताएंगे जिसका जिक्र मैं ज़रूरी समझता हूँ। कुंडी बिरादरान हमारे भाई हैं, ये बैठा हुआ है मैं कोई बगैर लगी डिप्टी के बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि हम फिर भाई बन रहे हैं, फिर हम इकट्ठी जंग लड़ेंगे। हम इनको दादों के जमाने से सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं है, जो हमारी बसात थी वो भी साथ लगाई इनके दादों के लिए भी, फिर इनके वालिद के साथ हमारा अलायंस बना तो वो मेंबर बना, मैं इंडिपेंडेंटली एमपीए बना था मेरा भाई और मैं। फिर फैसल खान साहब के लिए, इनके वालिद के लिए सीट एमएनए बना, वो आके परोए पे दूसरे इलेक्शन में हमारे साथ इलेक्शन में। ये मैं मर्जी की आदत को ये नोट करवाना चाहता हूँ कि हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। और इसके बाद फैसल खान के लिए अपनी सीट छोड़ी है जब ये डिप्टी स्पीकर बने, और कुंडी बिरादरान हमारे लिए बीडी सीट भी नहीं छोड़ते। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा ऐसी बात नहीं होगी, हम भाई होके इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह इसको कामयाब करे, अल्लाह इसको मेयर बनाए डीए खान का। तो इसको रिक्वेस्ट तो किया है कि ख्याल करना मेयर बन जाना तो हमारे ऊपर तोपों का रुख ना करना बाहर के। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि भाइयों की तरह इसका इलेक्शन लड़े, जो हमारी बसात है इंशाल्लाह जहां जहां हमारे दोस्त पड़े हुए हैं वो खुद ये कहेगा कि उनके वोट आए हैं। बाकी रहा मसला जिन लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं, ना वो सियासी हैं, गैर सियासी लोग हैं और सिर्फ खरबों की करप्शन करके उसके बलबोते पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। हम तो सफेद पोश लोग हैं, मतलब है जो दे देता है वोट तो ले लेते हैं, पैसे नहीं लगा सकते। बार कैफ उसका मुकाबला करने के लिए पार्टी के कारकुनों को यकजा होकर ये जो 10-12 दिन हैं उनको काम करना होगा। और उम्मीद है, बड़ी कड़ी उम्मीद रखता हूँ कुंडी खान से कि वो इस जवाब में उनकी तरफ से दुश्मनी नहीं मिलेगी बल्कि भाईचारा मिलेगा। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल साहब नहीं, आखिरी ये तो बता दिए मैंने मर्कजी और सूबाई क़यादत को हकैक बताऊं कि जिसका जिक्र जरूरी समझता हूं कि कुंडी खानदान और हमारे ताल्लुक बहुत पुराने हैं, हम काफ़ी मैदानों में इकट्ठे भी रहे हैं, हमने हमेशा उनकी हिमायत की है, लेकिन उन्होंने उसके जवाब में कभी भी हिमायत की।
लेकिन हमें जो जवाब उनकी तरफ से दुश्मनी ही मिला है और उम्मीद करता हूँ कि अभी ऐसा नहीं होगा। गुंडी खान मौजूद हैं, किसी बात की भी तरदीद नहीं कर सकते। मरकजी क्यादत के सामने कुंडी हमारे ताल्लुक को इंसाफ से देखना होगा। आज फिर एक बार मियां खेल ग्रुप कुंडी खान की हिमायत करेगा और इनसे उम्मीद करता है कि हमारे इखलास का जवाब में इखलास की ज़रूरत है ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। हाँ, ये एक मेरा पुराना भाई है, साफ़ी है, पुराना साफ़ी है, उसने लिख के दिया है कि तमाम सरकारी वसाइल इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, फंड, नौकरियाँ, कवायद की धज्जियाँ भी कैरी जा रही हैं। हम इस इजलास की वसातत से, इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं और मुतालबा करते हैं कि वो अंधे वो इस बात का एक्शन लें। अब इस तकरीब में मैं बताना चाहता हूं कि मिस्टर केदार खान, मिस्टर फखरुल्ला खान जो आज़ाद तहसील जीते हुए हैं और मैं छोटा सा एक सियासी कारकुन पीपल पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे तो इंशाल्लाह ताला वो आए तो पहले भी हैं, इंशाल्लाह इस दफा आएंगे कि वो पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं मुनक्किद होगा जो बिलावल और उनकी अनर में होगा। मखदूम साहब हमारे भाई हैं, वो भी जीते हुए हैं, वो तो ऑलरेडी पीपल पार्टी की टिकट पे जीते हुए हैं। उसका जिक्र ये करूं कि कुंडी खानों को छोड़ेगा तो करता हूं। हमारे बहुत पुराने भाई हैं, हमने हमेशा मखदूमों को अपना भाई समझा है और उनके लिए जो हमारी बसात है उनके लिए सब कुछ किया है, इंशाल्लाह मानेगा वो। तो हमारी तो यही जो हमने पेश कर दिए, बुखारी साहब की जो ये फिल्मियाँ मेरे साथ चलाई हैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। और अनवर सैफुल्ला खान तो हमारी तरफ से है, उन्हें लेके आ रहे हैं। इन्होंने भी मुझे बगैर किसी कमिटमेंट के भी मुझे प्रयास से मिलाया था, अब भी तो को रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जंग ये भी लड़ेगी, आप साथ होंगे, अकेला नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब उमर फारूक मियां खैर साहब, उनके ब्रादरान जनाब सनाउल्लाह मियां खैर साहब SMPA, जनाब इज़हार खान साहब और फखरुल्ला खान साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, जनाब मजुद्दीन खान साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, जनाब अनवर सैफुल्ला खान साहब मेंबर सेंट्रल कमेटी और फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे KPK के पार्टी के, जनाब मखदूम मिसाफ साहब मेयर बहाड़पुर तहसील, जनाब फैसल कुंडी साहब और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त यहाँ पे और इदारा तशरीफ़ फरमाए यूथ और BSF के भी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज डेरा में मियां खैर ब्रादरान के पास हाजिर हुआ हूँ। और बहुत सारे दोस्तों को शायद नहीं कि मेरी वाबस्तगी भी और मेरा तलक भी डेरा इस्माइल खान से है। मैं भी मेरे आबाओ अजदाद आज भी बलोट में हैं, मखदूम इंसाफ और हम एक ही ख़ानदान से हैं और इसलिए
मेरी वापसगी डेरा इस्माइल खान से अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, ईसा के ज़माने से हमारी वापसगी चली आ रही है। मैं उमर फारूक साहब ने जो बातें की, इनको, इनके भाइयों को, इनके ग्रुप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत खुश आमदेद भी किया। बहुत सारी बातें उमर खान साहब ने की कि जब कुंडी की हमायत करें, मैं कुंडी की हमायत थी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से मैं नजमुद्दीन खान, अनवर सैफुल्ला साहब, फरजंद वजीर और मखदूम अल्ताफ, हम सब आपके सामने जवाबदेह भी हैं और जवाबदार भी हैं आपको। इसलिए आप सिर्फ कुंडी साहब पे ये बैंक ना करें, कुंडी साहब हवाल साहब करें, पीपल्स पार्टी इज्तमाही तौर पे आपके साथ खड़ी होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपकी वजह से डेरा में तकवीत मिलेगी, कुवत मिलेगी, जो आज जिसका इजहार आपने किया। इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात जो अभी मेयर का इमीडिएटली है, इसमें आपकी मेहनत से, आपकी काविशों से, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह फैसल करीम कुंडी में इंतखाब जीतेंगे, और हम ये समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा पोटेंशियल है, और हम देख रहे हैं कि पूरे KPK में बहुत सारे लोग हमारी सूबाई क़यादत को, हमारी मरकजी क़यादत को रजू करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आज वो कहते हैं ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं मेरे लिए भी और मेरी पार्टी के लिए भी, कि जिसमें उमर फारूक मियां खैर साहब और उनका खानदान और उनका ग्रुप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। ये भी आपसे अर्ज कर दूँ, मैंने कल भी बात की थी कि चेयरमैन साहब से आपके हवाले से पहले भी बातचीत होती थी, अभी भी उनके नॉलेज में है, उन्हीं के हुक्म पे मैं हाजिर हुआ हूँ, अनवर सैफुल्ला साहब आए हैं, बिलाशुबा ये इनके साथ आपके खानदानी रवाबत पुराने, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से वो आज चेयरमैन साहब सरगोधा में एक शमूलियत भी थी और एक जलसा भी था जो दरगाह है सियाल शरीफ की, वहाँ पे तो चेयरमैन साहब वहाँ गए हुए। इंशाल्लाह चेयरमैन साहब भी उमर फारूक साहब के पास यहाँ तशरीफ डेरा में लाएंगे, और इंशाल्लाह जरदारी साहब भी आएंगे, और जब अभी इस्लामाबाद में जरदारी साहब होंगे तो पहले भी इनकी मुलाकात हुई, बड़ी डिटेल डिस्कशन, और एक खास बात की थी उन्होंने कि मेरी वन टू वन मुलाकात होगी, और बंदा शरीक नहीं होगा, उमर खान को याद नहीं है भाई। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा दिस इज माई कमिटमेंट कि उमर खान साहब आपकी और जरदारी साहब की बरह रास्त गुफ्तगू की कोई डिफरेंस भी नहीं होगा, हालांकि प्रेसिडेंट मौजूद था सुबह सुबह, अब भी हमारी कोशिश होगी। पॉलिटिक्स में बुनियादी बात कमिटमेंट्स की और कमिटमेंट्स को ऑनर करने की है। जो शख्स, जो शख्सियत, जो जमात कमिटमेंट करे और कमिटमेंट करके ऑनर करे, तो फिर उसको आवाम की नजरों में उसकी इज्जत भी होती है, एहतराम भी होता है। आज जिस जगह आप बैठे हैं, वो जमात जो आज इक्तदार में सूबे में बैठी है, मरकज में बैठी है, ये इन्होंने कमिटमेंट्स की तो उनको ऑनर नहीं किया। आज जब उन्होंने ऑनर नहीं किया तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और सेकंड फेज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके सामने होंगे, और जो ये जो इलेक्शन डिले हुआ था उसकी वजह से अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ ANP का कि ANP से मेरी बातचीत हुई, अहमद वली साहब से बात हुई, उनके प्रेसिडेंट साहब यहाँ मौजूद हैं, और हैदर होती साहब के साथ भी मुलाकात हुई, और चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हिसाब है मुलाकात हुई, उसके बाद हमने टेलीफोनिक रब्ता किया, और उन्होंने अनकंडीशनल ANP ने कुंडी साहब की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल बॉडीज के इलेक्शन में हमायत का ऐलान किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका भी और इनके प्रेसिडेंट साहब का भी कि वो यहाँ तशरीफ लाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अभी उमर खान साहब ने बात की, हम इंश्योर करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है इस मुल्क में आईनी जिम्मेदारी है, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये जो पब्लिक फंड से डेवलपमेंट की स्कीमें जारी हैं ये तो गैर कानूनी है,
मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक एक्सचेकर से, सरकारी खजाने से एक रुपया नहीं खर्च कर सकता। और अगर उन्होंने ये खर्च किए हैं तो ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, और इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस देना चाहिए, हम ये समझते हैं। दूसरी अहम बात, जो मैं इधर आया तो मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जो हमारे साथ साउथ वजीरिस्तान के दोस्तों की मुलाकात हुई, उनका एक बड़ा अहम मुतालबा भी है कि उनके दो सब डिवीजन हैं जिनके दफातर जो है वो टांग में है, सब डिवीजन जो है लदा और सब डिवीजन सुरके, ये दो है और जिले के भी, ये दफातर इन्होंने अभी तक टांग में है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये मर्जर हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगी तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लिए उसको जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका तयन भी करना चाहिए था। हमारे लोगों को वहाँ पे बहुत तकलीफ है, उनको अपने इश्यूज के लिए टांग 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर सफर करके आना पड़ता है। मैं अपना जो हमारा पार्लियामेंट्री लीडर है प्रोवेंशियल असम्बली में शेराज मजीद साहब, मैं उनको ये कन्वे कर रहा हूँ, और हमारा अहमद कोंडी साहब से भी, ये दोनों हमारे प्रोविंस में बैठे हैं, ये इस इशू को प्रोविंशियल असम्बली में टेकअप करेंगे, और ताकि हमारे साउथ वजीरिस्तान के जो दोस्त हैं इनकी जो तकलीफ है उसको दूर किया जा सके। उमर फारूक साहब, मैं शुक्रगुजार होता हूँ दिल से आपका, आपने हमारी इज्जत अफजाई की, मेरी जमात के लोगों की, और अनकंडीशनल आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, और हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज बनता है कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली हैं, आप एक पॉलिटिकल ग्रुप है, आपका एग्जिस्टेंस ज़िले में है, सूबे में है, और हम भरपूर तरीके से आने वाले इंतखाबात में बहम होके मुश्तरका तौर पर इंतखाबात कंटेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा से कामयाब होगी। बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, और हमारे जितने पार्टी के यहाँ सदर साहब भी हैं और कुंडी साहब, सब की तरफ से जनाब सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे पुराने साथी हैं, हमारा सैफुल्लाह का और इनका मियां फैज का, एक हमारी जनरेशन में तो 50 साल से ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है, और हम यहाँ पहले तो ज़्यादा आया करते थे, लेकिन अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे सच्ची जनाब साहब को खुश आमदेद कहा, और इतनी बड़ी मेहरबानी की आपने कि आपने आज ऐलान किया कि उमर ख़ान, आप तो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, और आपके भाई जुल्ला खान, इफ्तार खान, फखरुल्ला खान, तो ऐसे ही फ़ख्र है, फखरुल्ला खान माशाल्लाह जीत के भी आया है, तो बहुत ही ज़्यादा आपका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और मैं अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब जो पार्टी चलाते हैं उनको मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐसे फैसला, अहम फैसला जो आज किया गया है, और जो इन्होंने हमारे साथ शमूलियत की है, तो पीपल्स पार्टी आप बिल्कुल अब ये समझ लें कि इंशाल्लाह आपके डेरा इस्माइल खान के नतायज जो हैं वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट होंगे पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं, खासकर जब हमारे नौजवान
कुंडी साहब और इनके भाई अहमद खान और इनके ख़ानदान और मियाँ खेल साहिबान आपस में इकट्ठे हो जाएं और हम भी इनके साथ दोचैन हो जाएं, क्योंकि हम भी लकी मरवत साथ ही हैं, हमारे बॉर्डर्स एक ही हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे मरवत भाई डेरा इस्माइल खान में छाए हुए हैं, इतने ज़्यादा वहाँ से आए हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे दादा अल्लाह उनको बख्शे, उनकी रिहाइश भी यहाँ डेरा इस्माइल खान में थी और मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक यहाँ से किया था डेरा इस्माइल खान से और फिर यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज गए थे और फिर बैरिस्ट्री के लिए लंदन गए थे। तो ये मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के लिए आज एक बड़ा खुशी का दिन है कि हमने आज यहाँ आकर और इन्होंने हमारे साथ ये मेहरबानी की। मुझ पे इनका ज़्यादा चूँकि हक था तो इन्होंने कहा कि तुम हमारी, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्यों नहीं, वाई नॉट, अपना घर है। तो मैं हमारी तरफ से बिल्कुल जनाब, ये तो मैंने अर्ज किए, मैं पहले आप ही के पास आया, मुंडी साहब के पास नहीं गया, हमारा हक साहब के पास नहीं गया, जहाँ के बुखारी साहब गए थे मैं यहाँ आया सीधा आपके। तो मकसद ये है जनाब के डेरा इस्माइल खान एक हमारे सूबे का एक बहुत ही अहम वो जो है ना अहम सेंटर है और बहुत बड़ा सेंटर है और हमारे जो जनूबी अजला हैं, मैं माजरत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये तख्त हैं पेशावर का या चारसदे का या नौशहरे का या मर्दान का, वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए मैं आज इसलिए भी आना चाहता था, एक और खुशी का दिन था, लेकिन एक मेरे एजेंडे पे जो एक दूसरा अहम एक आइटम था वो ये था कि आओ भाइयों इस बार सब मिलकर पूरे जनूबी अजला एक आवाज़ से इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें ताकि हम अपने जनूबी अजला को आबाद कर सकें। हमारा सर वाहिद मसला है पानी, पीने का पानी, अगर हमें मिले तो हम पूरे पाकिस्तान को जो है हम अपना खुराक जो है पहुँचा सकते हैं। एक ये जो हुआ है ये नहीं अभी तक छोटा कॉन्ट्रैक्ट गोमल साहब की आप जाके देखें सर, ये जो गाना आप देखते हैं दिल खुशी सीआरबीसी नहीं नहीं फौजियों ने सर बहुत कुछ भी दिया है और बहुत कुछ नहीं भी दिया, लेकिन हम तो जाएंगे ना, तो हमारे भाई है ना फौजी, तो मैं तो नहीं आया मैं एक भाई फौजी है मेरे मुशरफ ने बड़ा था, मुशरफ ने बड़ा किया जी, इसमें हमें कुरम तंगी डैम का ऐलान किया, वो उस दिन मैं देख रहा था पन्नू में कुछ लोग हुए कि ये नुकसान होगा। अब एक इतनी जनाब लोगों को अकल नहीं है कि कुरम तंगी कुरम रिवर जो है पहले बन्नू पे आता है और फिर हमारी तरफ आएगा, पहला फैसला बन्नू फ़ायदा बन्नू का होगा, नॉर्थ वजीरस्तान का होगा, फिर लकी मरवत का होगा, करक का होगा और 3.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है उससे आबाद होगी। तो अर्ज यह है सर कि हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। दूसरी हमारी यहाँ सड़कें वगैरह, अब ये एक सी फैक्ट जो बन गया सर, इससे इतनी हमें सहूलत हो गई, 3 घंटे में आज मैं यहाँ पहुँचा। पहले हमारे जी वो कहते हैं कमर तोड़ ऐसे ये नहीं सड़क थी, ये जो जो इंडस हाईवे जिसको भुट्टो साहब ने शुरू किया था, ये उन्हीं का प्रोग्राम था, उन्हीं का आइडिया था कि हमें एक ऐसे हाईवे की भी ज़रूरत है जो हिंदुस्तान से दूर हो और सिक्योर सेफ। तो ये इंडस हाईवे पे काम शुरू हुआ जब जुनेजर साहब की हुकूमत आई तो उस पर जाके कम्प्लीट हुआ। तो मैं आखिर में बातें तो बहुत हैं और करेंगे, आज शाम को भी हमारा कुंडी साहब के साथ प्रोग्राम है तो वहाँ भी इनके लिए दुआ भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। और मैं आज जो है कुंडी साहब से ये भी कहने आया हूँ कि मुझे ऊपर से भी ऑर्डर है, लेकिन हमारा और आपका बहुत पुराना ताल्लुक है, मुझे किसी कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम जाओ कुंडी साहब के साथ वहाँ जाके कुछ हेल्प करो, तो मैं हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह जो आप कहेंगे हैं, अब भी 15 दिन हैं, इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी
जलसे भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप चाहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज का जो ये फैसला हुआ उदा तवर खलक ये हर असेंबली में माशाल्लाह मियां खैर जबिंद है हर असेंबली में और इंशाल्लाह इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी पोजीशन और भी मजबूत हो गई है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इंशाल्लाह हम फिर भी आते रहेंगे। और मैंने बिलावल भुट्टो साहब से कहा हुआ है कि खुदारा आप अब निकलें और अपने आवाम के पास जाएं, क्योंकि एक तो उनसे ऐसे ही आवाम जो है ना जब उनको देखती है तो बीवी शहीद याद आती है, चेयरमैन जुल्फिकार अली साहब भुट्टो लोगों को याद आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको मैंने कहा है कि आप जनाब नौजवान हैं, आप आए शक्ल हैं, आप में मैं बीवी देखता हूँ, आप में मैं जुल्फिकार अली भुट्टो देखता हूँ, तो आप आए लोगों के साथ पहचान होगी, लोग निकलेंगे और हमारा पार्टी का जो वर्कर है उससे बेहतरीन वर्कर किसी और पार्टी में नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे वर्कर्स बहुत तेज हैं, बहुत तकड़े हैं, बहुत मेहनती हैं और नडर हैं। तो आप जवानों निकलो, मैदान में निकलो और हमारे ये नौजवान कुर्डी साहब को जितवाओ, वोट डालो, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने बड़े बड़े नामों के बाद जो मुझे शुक्रिया के लिए कहा गया है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे आए हुए मेहमानान और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और मेरे स्टेज पे बैठे हुए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज का जो यहाँ पे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद था उसमें सईदुल्ला साहब यहाँ पे मौजूद खड़े हुए हैं। कल इनका मैं एक सोशल मीडिया पे वो पढ़ रहा था कि उन्होंने जो उनकी हेडिंग दी थी कि मियां खैर बरादरान पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी तक का सफ़र, इसमें कोई शक नहीं कि जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तो उसमें हमारे वालिद मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब के साथ उन्होंने काम किया यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो बुनियाद रखी गई। और उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि मैं अपनी आज दोबारा अपनी मदर पार्टी में वापस गया। मैं नारे 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 भुट्टो, जीए 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 भुट्टो। मैं अपनी कॉलेज लाइफ में पीएसएफ का प्रेसिडेंट भी रहा और बीबी शहीद के साथ मुझे डायरेक्ट उनके साथ पॉलिटिकल वर्क करने का मौका भी मिला। और जैसे पीपल्स पार्टी एक जितने भी वर्कर होते हैं या हमारी लीडरशिप होती है, हमेशा मैंने अपने हमेशा ये महसूस किया कि हमने एक फैमिली की तरह, एक ख़ानदान की तरह हम लोग इकट्ठे होते हैं। और जो मेरे बड़े भाई ने आज जो गिले किए, मैं समझता हूँ कि ये गिले हमें कहीं बंद कमरे में करते हैं, ये शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ये जो बाहर जाता ये शायद ये ना होता, लेकिन बरकैफ वो एक नहायत हमारा पूरा ख़ानदान, हम जो भी हमारे मुंह पे होता है वही हमारे दिल में होता है, जो दिल में होता है वो हमारे मुंह पे होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब तो मेरी भी पार्टी है, इंशाल्लाह उसके लिए अपनी भरपूर तवानाई इस्तेमाल करेंगे। और मौजूदा जो अभी हमारा इलेक्शन होने जा रहा है मेयर का, उसमें हमारी सीनियर क्यादत का हुक्म हुआ कि इसमें आप दस्तबरदारी करेंगे और फैसल करीम कुंडी साहब को आपने सपोर्ट करनी है, तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि मेरा जो कैपेसिटी है मैं उससे भी बढ़कर अपनी कोशिश करूंगा, बल्कि मैं नहीं मेरा पूरा खानदान। क्या बात, क्या बात। और हमारी दुआ भी होगी कि अल्लाह ताला हमें इस इलेक्शन में भरपूर कामयाबी दे। आमीन। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ, तमाम अपने वर्कर्स के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अपने आए हुए दोस्तों के साथ, खसूसन जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो मौजूद हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ, बल्कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी हम इस पार्टी में इकट्ठा काम कर चुके हैं, इंशाल्लाह हमारी नीयत ठीक होगी, हम अच्छे अंदाज में इलेक्शन लड़ेंगे, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो 13 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है वो फैसल साहब के जीत का दिन होगा। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीत का दिन होगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं फिर अपने तमाम दोस्तों का और खसूसन अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब और अनवर सैफुल्ला साहब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं इस वक्त, मैं अपनी तमाम लीडरशिप यहाँ पे जो मौजूद है उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे घराने को, हमारे नेफेल ग्रुप को इस काबिल समझा, वो यहाँ पे तशरीफ लाए, इसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। और इंशाल्लाह ये आप अपनी तमाम लीडरशिप को ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर ताकत के साथ इंशाल्लाह ये इलेक्शन भी लड़ेंगे और आगे का सफ़र भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मोबाइल लेना और जी ना थोड़ा फैसल खान वाला पेज है। कैसे फैसल खान वाला थोड़ा लाइव चलाया उसके खास रही। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के मुमाइंदों का जहाँ पर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और ग्रुप के जो दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं उनका, मैं अवानी नेशनल पार्टी के कायम मकाम सदर शौक एडवोकेट साहब का, शोब एडवोकेट साहब का, मियां खैर ग्रुप के दोस्तों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, और ख़ासकर मैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप का, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे अनवर सैफुल्ला साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे सूबाई वज़ीर हैं, SEC के मेंबर हैं, हमारे पार्टी के सूबाई सदर साहब यहाँ तशरीफ रखे हैं, मैं उनका तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने डी खान की डिवीज़न की तंजीम की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम की तरफ से, पार्टी के जियालों की तरफ से, मियां खैर फैमिली को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने इसमें
बहुत अहम किरदार अदा किया, हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने अदा किया। मैं यहाँ पर अपने डिवीज़न प्रेसिडेंट, मैं मखदूम साहब का, अल्ताफ साहब का, बाकी दोस्तों का भी अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूँ जो इसमें इन्होंने अहम किरदार अदा किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, तो वो एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होगी। उमर फारूक साहब ने भी बातें की, मेरी लीडरशिप ने बातें की, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं उमर फारूक साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान की तरह होगी। वैसे भी हमारा एक ग्रुप था, हमारे चेयरमैन थे हैं उमर फारूक साहब, उनको चेयरमैन चेयरमैन कहते हैं, तो इंशाल्लाह मिलकर ये इलेक्शन भी लड़ेंगे और मुस्तकबिल में जो इलेक्शन आ रहे हैं इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप को इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे यहाँ पे दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है, हम मिलकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि हम डी खान में तमाम सीटें इंशाल्लाह आपको जीत कर हम तोहफे में लेंगे। मैं उमर फारूक साहब, हमारे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े गिले शिकवे भी किए, अच्छी बातें भी की, अच्छी बातें भी की उन्होंने, और बंदा जो है वो गलतियों से सीखता है। और इंशाल्लाह 13 फरवरी को कामयाबी के बाद इंशाल्लाह मखदूम साहब भी हैं, मियां खैर साहब भी हैं, इनके अपने भी दो तहसील मेयर हैं, इंशाल्लाह मिलकर डी खान डिस्ट्रिक्ट बल्कि डी खान डिवीज़न की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेंगे, अपने दोस्तों को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि अगला इलेक्शन हम आसानी से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीत सकेंगे। मैं यहाँ पर ये भी बताता चला कि इस वक्त हमारा मुकाबला वज़ीर आज़म के चहेते और वज़ीर आला के लाडले के साथ है। और इंशाल्लाह मैं पहले भी मीडिया की प्रेस टॉक की थी और मैंने कहा था कि अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से इलेक्शन तो 13 तारीख को, इंशाल्लाह 5 तारीख को हम आपको बताएंगे डी खान की हर गली में, डी खान की हर सड़क पर, डी खान के हर मोहल्ले पर इंशाल्लाह तीर चलेगा और दमदम मस्क लगेगा और 5 को इलेक्शन खत्म करना दिखा देंगे। हमारे मुखालफी के साथ बोकलार का शिकार है, अंधाधुंध फेडरल हुकूमत अपनी जो है फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध जो है रेडियो की तरह 2 नंबर नौकरियां बेच रहे बांट रहे हैं। हमने तारीख में नहीं अभी देखा अभी तक जिसमें आप देखें कि जिसमें ना टेस्ट इंटरव्यू और जो है वो नौकरी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के बावजूद 13 तारीख को आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। आप देखेंगे जिस तरीके से वफाकी वजीर दर बदर फिर रहा है, हक तो ये था कि बल्दियात के सूबाई वजीर अपना सूबा बुरी तरह हार चुका था, उसको तो चाहिए थे अखलाकी जुरत का मुजाहरा करते कि वसीफ़ा दे दें, कुछ वसीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं। आपके साथ इंशाल्लाह कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और भी कर रहे हैं, एक और खुशखबरी भी इंशाल्लाह मैं आपको सुना रहे हैं और इंशाल्लाह उधर भी बातें होंगी। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी सूबाई तंजीम का, मरकजी तंजीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। आखिर मैं दोबारा अपनी तरफ से मियां खैर फैमिली को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदेद कहता हूँ। मैं बुखारी साहब से कहूँगा कि उमर फारूक साहब को जो है पार्टी का मफलर पहनाएं, केजार खान को मैं हम अपना नजबुली साहब से कहूँगा कि आप केजार खान को जो है पार्टी का, मैं अनवर सैफुल्ला साहब से कहूँगा कि फखरुल्लाह मियां खैर साहब को जो है पार्टी का मफर या टोपी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। नजबुली साहब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें, बस बजतर साहब शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं अपने मरकजी जनरल सिक्ती साहब और हमारा अनवर सैफुल्ला साहब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, इनका मशकूर हूँ। उन्होंने आज
पाकिस्तान पीपल पार्टी में वापस लाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर तो मेरे वालिद साहब के साथ सदा उल्लाह में आखिर साहब की दोस्ती थी, फारूक साहब की दोस्ती थी, और मैं भी अक्सर उनके साथ बैठा रहता था। यहाँ इनके घर भी आया था पेशावर में जब मिनिस्टर थे। तो आज जो एहसान पाकिस्तान पीपल पार्टी पर और पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों पर उन्होंने कर दिए, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशगूल हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस मौका से जनाब हमारा सेक्रेटरी जनरल साहब बैठा हुआ है, यहाँ स्पेशल करीम कुंडी साहब जो खड़ा है, उनके साथ तो ये काम करते रहेंगे, लेकिन प्रोविंशियल सदर के हैसियत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर उमर फारूक में अखिल साहब दो तीन नाजिमीन आज़ाद कामयाब कर सकते हैं, अनवर सिपुल्ला साहब जो अपने लेकिन मरवत और इस इलाके में वो कर सकते हैं, तो जुनूबी अजला में इन दोनों शख्सियात के काफ़ी असर रसूख है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा इलेक्शन अब बाकी है, सिर्फ जियाई खान में नहीं है, शुमाली वजीरिस्तान में हमारा इलेक्शन है बल्दियात का, जुनूबी वजीरिस्तान में है और कुरम एजेंसी में है, इसी तरह हमारे चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि उसमें हमारे बल्दियाती इंतखाबात है। तो मैं अपील करता हूँ इन दोनों को और बाकी जो हमारे लीडरशिप को बमाया पेशर करीम कुंडे को कि भाई वो हमारे साथ, क्योंकि इस पार्टी का इज्जत अगर उनके साथ है तो उनके हारना और जीना भी लोग ये कहेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग इनके साथ थे और फिर भी वहाँ अगर हम कैंडिडेट न खड़ा कर सके या हम वहाँ हारे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जिम्मेदारी पर आते हैं, तो उनमें हमारे साथ ताउन करें, बाकी जुनूबी अजला में भी हमारे साथ ताउन करें। ये अगर किसी को कहे कि आप पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो जाए, तो मेरे ख्याल में तमाम जुनूबी अजला में एक आदमी भी ऐसा नहीं रहेगा जो पार्टी में शामिल नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। वो ख्वा वो कुहाट हो, ख्वा वो करक हो, बनो हो या जियाई खान हो, तो जियाई खान तो मसला हल हो गया, लेकिन और ये जो एजेंसियाँ हों, तो मेरा सिर्फ ये है, लेकिन मरवत भी हो तो है, मेरा ये दरख्वास्त है कि भाई ये लोग हमारे साथ ताउन करें, लोगों को पार्टी में शामिल कराएं, हम इनके ब्याह पर ये जो भी हुआ हमें हुक्म देंगे। और मियाँ खैर साहिबान जो यहाँ आए हैं, ये उन्होंने जो वादे जिस तरह भी हमारे लीडरशिप के साथ किए होंगे, हम उनके पाबंद होंगे और उनके साथ इकट्ठे जाकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।